एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ सत्तू के पराठों की ये रेसिपी। सत्तू के पराठे बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसके अलावा ये झारखंड और यूपी में भी बहुत फेमस है। सत्तू अगर आपको आपकी लोकल मार्केट में ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप भुने हुए चनों को उनके छिलकों से अलग करके उन्हें ग्राइंडर में पीस कर उनका सत्तू घर में ही बना सकते हैं। सत्तू हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बने पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आई होप आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ सत्तू के ये पराठे। सत्तू का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूँ का आटा। इसके अलावा 1 कप चने के सत्तू को मैंने लिया है। 1 बड़े साइज का बारीक कटा प्याज, 3 से 4 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 बारीक कटी हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक काट लिया है, आम के अचार का मसाला, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 2 पिंच के बराबर अजवाइन, 1/2 कप के बराबर बारीक कटी हरी धनिया, 1 नींबू, स्वाद अनुसार काला नमक, पराठे सेकने के लिए ऑयल लगभग 3 से 4 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कच्चा सरसों का तेल, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए इन सभी चीज़ों से मैं बनाती हूँ सत्तू का पराठा। आइए देखते हैं। सत्तू का पराठा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पराठा बनाने के लिए डो को रेडी कर लिया है। ये डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून नमक को गेहूं के आटे में मिलाकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। जैसा हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं वैसा ही हमें यहाँ पर डो तैयार करना है। तो अब मैं इस डो को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी, जिससे कि ये हमारा डो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, जब तक ये हमारा डो सॉफ्ट होगा तब तक हम सत्तू के पराठे की स्टफिंग को तैयार करते हैं। सत्तू पराठा बनाने के लिए अब मैं सत्तू की स्टफिंग को तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो 1 कप सत्तू को लिया है उसे मैं इस बोल में डालूंगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटी हरी मिर्चें, 1 इंच बारीक कटा अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 बारीक कटी लहसुन की कली, 1 बारीक कटा प्याज, 1/2 कप बारीक कटा हरा धनिया पत्ता, 1 टेबल स्पून मुंगरेला, इसे हम कलौंजी भी बोलते हैं, 1/2 टेबल स्पून के बराबर ये अजवाइन है, इसे मैं हाथ से थोड़ा सा इस तरह से मसल के डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आम का अचार का मसाला लिया हुआ है, ये टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाता है, तो आप इसे ज़रूर मिलाएं। स्टफिंग को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून सरसों का कच्चा तेल ऐड कर रही हूँ, और इसके अलावा काला नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रहे, आटे में भी हमने नमक को मिलाया हुआ है, इसीलिए नमक की क्वांटिटी को हम अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। और अब मैं यहाँ पर 1 नींबू के रस को ऐड करूँगी। और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से पहले मिला लूँगी इस तरह से। और
अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करूंगी, जिससे कि ये हमारी स्टफिंग अच्छे से रेडी हो। तो ध्यान रहे, आपको पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से मिला सकते हैं। तो मैंने इसे हाथ से अच्छे से मिला लिया है। इसे सारे मसाले और हमारा नमक अच्छे से मिल जाएगा। तो हमें इस तरह की स्टफिंग रेडी करनी है। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा ड्राई और ना बहुत ज़्यादा गीली। तो इस तरह से हमारी ये स्टफिंग रेडी हो गई है और अब हम तैयारी करते हैं पराठे बनाने की। तो अब मैं सत्तू के पराठे बनाऊंगी, जिसके लिए देखिए ये आटा 15 से 20 मिनट में अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं इसकी लोई लूंगी। लोई आप छोटी बड़ी जैसा चाहें ले सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेलूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी इस तरह से, और जो स्टफिंग हमने रेडी की है उस स्टफिंग को मैं इसके ऊपर लूंगी। स्टफिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के बराबर स्टफिंग को लिया है। अब मैं इसे इस तरह से ऐसे मिलाऊंगी और हाथ में इसे लेके इस तरह से मिला के प्रेस कर दूंगी। ये देखिए, अब मैं फिर से इसके ऊपर लगाऊंगी सूखा आटा और इसे हल्के हाथ से बेलूंगी। तो ये हमें रोटी की तरह ही बेलना है, लेकिन ध्यान रहे हमें इसे हल्के हाथ से बेलना है, जिससे कि हमारी स्टफिंग ना फटे और बाहर ना निकले। तो ये मैंने अपना पराठा बेलकर रेडी कर लिया है। चारों तरफ से इसे हम समान बेलेंगे, ये देखिए। और अब मैं इसे सेकूंगी। तो तवा मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, ये हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल इस तरह से फैला लूंगी, जिससे कि हमारा जो आटा है वो डायरेक्ट तली पर ना चिपके। और अब मैं अपने पराठे को इसमें डाल दूंगी। जब हमारा ये पराठा निचली तली में या निचली सतह से अच्छे से सिक जाएगा, तब इसे हम पलटेंगे। गैस के एक साइड पर मैंने टमाटर और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी को चढ़ाया हुआ है। ये कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिसे आप वहां जाके देख सकते हैं। ये पराठों के साथ में बहुत टेस्टी लगती है।
तो आप चाहें तो इसे जरूर बनाएं। तो इधर हमारा पराठा जो है वो निचली सतह से हल्के हल्के सिकने लगा है, तो इसे अब मैं एक बार इस तरह से उठा के चेक कर लेती हूँ। इसे हम थोड़ी देर लगभग 30 सेकंड और सेकेंगे। देखिए एक सतह इसके अच्छे से सिकने लगी है, अब हम दूसरी सतह को भी इसी तरह से हल्का हल्का सिकने देंगे और उसके बाद मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। तो लगभग 45 सेकंड हो चुके हैं, अब मैं इस पराठे को एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए इसकी निचली सतह भी अच्छे से सिक गई है, तो अब मैं इसे इस तरह से पलट लूंगी और इसमें ऑयल को लगाऊंगी। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसकी इस सतह में भी ऑयल लगाऊंगी। और अब मैं अपने इस पराठे को इस तरह से प्रेस करते हुए सेकूंगी। इस तरह से प्रेस करके सेकने से हमारे पराठे बहुत अच्छे से सिक जाते हैं और अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। तो आप अपने हाथों से इस तरह से हल्के हल्के दबा के प्रेस कीजिएगा इसे। तो देखिए हमारा ये पराठा कितने अच्छे से दोनों सतह से सिक गया है, आप देख सकते हैं इसे। तो ये पराठा हो गया है हमारा रेडी। अब इसे मैं एक प्लेट में ले लूँगी और अपने बाकी के पराठों को भी मैं इसी तरह से तैयार करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हैं हमारे सत्तू के गर्मा गर्म पराठे। आप इन्हें दही, टमाटर गुड़ की खट्टी मीठी चटनी या हरी धनिया टमाटर की चटनी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।